Hello and welcome to this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about the concept of fundamentalism. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटलिज्म मतलब कट्टरवाद। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटलिज्म। वेल, फंडामेंटलिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फंडामेंटम विच मीन्स बेस एंड इट इज अ स्टाइल ऑफ अ थॉट इन विच सर्टन प्रिंसिपल्स आर recognized as essential truth, moreover that have unchallengeable and overriding authority regardless of their content. So when we talk about fundamentalism, then obviously the word comes from a Latin word called fundamentum, and fundamentum basically means a base probably which is based on certain principle or certain doctrine. And here it is considered as a style of a thought in which certain principles are recognized as essential truth. That means this truth is unchallengeable and has overriding authority regardless of their content. So therefore we need to understand that whenever we talk about fundamentalism or whenever we talk about fundamentalism, it is all about having a strict adherence or a strict faithful to the basic principles and a doctrine of a religion, ideology, or even for that matter political party. And these basic principles redefined and recognized as the most important principles of truth, and these principles have unchallengeable and overriding authority regardless of their content. Yahan par ek baat samajhni bahut important hai ki jo fundamentalism hai ये एक बेसिक प्रिंसिपल है और इसकी जो लाइन ऑफ थॉट है ये डिपेंड करता है कि जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकग्नाइज्ड एसेंशियल ट्रूथ है। और ये ट्रूथ या फिर सत्य यही है कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है और ये अथॉरिटी के भी ऊपर है। तो अगर हम इसको एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो फंडामेंटलिज्म एक बहुत स्ट्रिक्ट फेथफुल टुवर्ड्स बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर डॉक्ट्रिन की तरफ होता है, और जो भी इंसान उस डॉक्ट्रिन को या फिर उस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेगा। और इस तरह का जो स्ट्रिक्टनेस फेथफुल जो बेसिक प्रिंसिपल्स है या फिर डॉक्ट्रिन है ये हमें अमूमन रिलीजन में देखने को मिलता है, आइडियोलॉजीज में देखने को मिलता है, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में या फिर किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है जहाँ पर जो फॉलोवर है इसका या फिर उसका जो एक काडर है उसको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं और उस चीज़ों में उसको इतना विश्वास दिलाया जाता है कि वो एक फंडामेंटलिस्ट बनता है टुवर्ड्स उस प्रिंसिपल की तरफ या फिर उस डॉक्ट्रिन की तरफ। उसके नीचे कोई नहीं है, उसके आगे कोई नहीं है, जो भी डॉक्ट्रिन कहती है वो उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो बेस इसका जो है फंडामेंटलिज्म का वो डिपेंड करता है सर्टन प्रिंसिपल्स, और उसको ये प्रिंसिपल इतना सिखाया जाता है कि ये बहुत एसेंशियल है, इसके आगे इसके नीचे कुछ नहीं है, और उस प्रिंसिपल को हर हालत में हर सिचुएशन में फॉलो करना है क्योंकि यही एक प्रिंसिपल है जो आपको ट्रूथ की तरफ लेके जाता है।
और इसीलिए हमने देखा है अमूमन जो प्रिंसिपल्स है, डॉक्ट्रिन्स है ऑफ रिलीजन, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर दैट मैटर इवन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव इमेंस पावर और इतना पावर है कि वो अथॉरिटी के भी ऊपर होते हैं, क्योंकि उनकी जो शक्ति रहती है वो उस मास फॉलोवर्स में रहती है, क्योंकि ये जो मास फॉलोवर्स है ये बिलीव करते हैं उस आइडियाज़ में, उस प्रिंसिपल्स में, उस डॉक्ट्रिन्स में, और इसीलिए इसको फंडामेंटलिज्म को एक कट्टरवाद भी कहा गया है। और इसीलिए अगर हम आज की सोसाइटी में देखेंगे हमारे आसपास, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को ले लो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले लो या फिर इवन रिलीजन को ले लो, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं ना कहीं आपको एक कट्टरवाद दिखने को मिलेगा, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू देम देयर प्रिंसिपल्स आर फाइनल एंड नोबडी कैन क्वेश्चन दोज प्रिंसिपल्स, एंड देयरफॉर फंडामेंटलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड दैट स्टाइल ऑफ थॉट in which certain principles are recognized as essential truth and that have unchallengeable and overriding effect over the authority. Therefore, moving forward, although it is usually associated with religion and the literal truth of sacred text, fundamentalism can also be found in political creed or system. So, as I have said that fundamentalism is more associated with the religion because of the literally truth which is being said out through the sacred text, and all the religions of the world, wherever they are, all of them have their sacred text, and every religion believe that whatever they have in the text in their own religion is final. It is a truth and nobody can challenge that truth. And when that conflict evolved between the two religion or between the two sections, that is where the entire question of fundamentalism evolved. And besides religion, fundamentalism today can be found also in political creed or a political system. And therefore, we need to understand that fundamentalism is directly associated with religion and the politics or political system. Although the term is used pejoratively or derogatively to imply inflexibility, dogmatism means intolerance, authoritarianism, fundamentalism may also give expression selflessness and devotion to principles. Although the term is used pejoratively, means derogatory, to imply inflexibility, dogmatism and authoritarianism. And also we need to understand that fundamentalism may also give expression of selflessness and devotion to principles. No doubt about it that fundamentalism sometime is seen or used very negatively because of its nature, because of its dogmatism, intolerance and authoritarianism. And we also have to remember that fundamentalism may also give expression of selflessness or devotion to the principles. So it is all about how you see fundamentalism. If you want to see fundamentalism in a more positive way, then it is basically an expression of selflessness, you know, committing yourself to certain principles, devoting yourself to certain principles. And if you see fundamentalism from other side, then it is how they have been used in politics, how it has been used to demonstrate power. And therefore, it is always associated with
inflexibility, dogmatism and authoritarianism. यहाँ पर हमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट समझनी है कि जो फंडामेंटलिज्म है उसकी जो परिभाषा है वो हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कौन सी साइड देखना चाहता है। अगर वो एक अच्छी साइड देखना चाहता है तो एक अच्छी बात है कि एक इंसान की सेल्फलेसनेस इसमें इन्वॉल्व है। थ्रू फंडामेंटलिज्म यू एक्सप्रेस your commitment, your devotion to certain principles, irrespective of whether principle is good or bad. That is a separate topic for a discussion. But it is one's expression to selflessness and devotion to the principle. अगर हम fundamentalism को politics के नज़र से देखेंगे तो वो different आएगा. It is more about inflexibility, which basically lack physical flexibility. Dogmatism, basically इंटॉलरेंस रहेंगे और अथॉरिटेरियनिज्म का रूप लेंगे, तो वो फंडामेंटलिज्म थोड़ा हटके है। एंड देयरफॉर दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटलिज्म। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन दैट फंडामेंटलिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड फंडामेंटम विच मीन्स द बेस एंड इट इज अ स्टाइल ऑफ अ थॉट in which certain principles are recognized as an essential truth and these truths have unchallengeable and overriding authority regardless of their content. And such kind of a fundamentalism usually we find in the religion and political creeds. And therefore, the term fundamentalism is used differently from the political perspective. It is being used pejoratively, derogatively to imply inflexibility, dogmatism and authoritarianism. As well as fundamentalism may also give expression to selflessness and devotion to principle. So this is all about the concept of fundamentalism. I hope you have understood the concept of fundamentalism. Thank you very much for watching this tutorial. And I will see you soon in the next tutorial. Till then, take care.